मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज बीएससी फर्स्ट ईयर का जो हमारा लेसन चल रहा था एल्केन्स का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हमने पहले उसकी जनरल बातें की थी, उसके बाद हमने इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। आज हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज के अंदर पहले हम लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम बात करें एल्केन्स की। एल्केन्स के अंदर चार कार्बन परमाणु तक के जो एल्केन्स हैं, वो गैसेस फॉर्म के अंदर रंगहीन गैसें के रूप में पाए जाते हैं, और चार से लेके 17 तक के जो एल्केन्स हैं, वो हमें वो रंगहीन द्रव के रूप में होते हैं, और उच्चतर एल्केन्स जो हैं, वो सॉलिड्स के रूप में होते हैं। ये तो थी इनकी फिजिकल स्टेट, ये गैसेस फॉर्म के अंदर भी, लिक्विड फॉर्म के अंदर भी, और ये सॉलिड फॉर्म के अंदर भी हमें मिलते हैं। इसके बाद इनका जो हम जनरली बात करें कि इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है, जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे ही इनके जो ये है इसकी ऊर्जाओं के मान बढ़ते जाएंगे, क्वथना गलना बढ़ते जाएंगे। ये तो थी इसकी जनरल सी बातें फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्केन्स क्या है? एल्केन्स जिसके अंदर दो प्रकार का बंध पाया जाता है, कार्बन कार्बन बंध और कार्बन हाइड्रोजन बंध। इन दोनों बंधों की जो बंध ऊर्जा है, ये अप्रोक्सीमेट 83 किलो कैलोरी पर मोल और 99 किलो कैलोरी पर मोल होती है। दैट मीन्स इतनी हाई एनर्जी जो है, इसको हमें इनके बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए चाहिए। ये सामान्य परिस्थितियों के अंदर इतनी ऊर्जा इनको पर्याप्त नहीं होती इन बंधों को तोड़ने के लिए, तो हमें इसके लिए इनकी जो रिएक्शंस है उसके लिए हमें स्पेशल कंडीशन देनी पड़ती है। तो अब अभी हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। फर्स्ट हम लेते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन यानी हेलोजन का जुड़ना। हेलोजन के जुड़ने के लिए इसके अंदर जो इसका हेलोजन का क्रम है, वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसी के साथ साथ हमने पहले बात की थी टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी के बारे में। तो इसके अंदर जो रिएक्टिविटी क्रम है, वो पहले किसका आएगा? टर्शरी का, एल्केन्स का, दैट मींस उसके बाद सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का, देन उसके बाद जो हमारा एल्केन्स वगैरह है, जो भी है इसके अंदर। तो ये तो थे इनके क्रम के बारे में। अब हेलोजिनेशन है क्या? हेलोजिनेशन हेलोजन का एडिशन, एल्केन के बीच में हेलोजन का एडिशन। हम रिएक्शन की बात करते हैं। सपोज हमारे पास ये है एल्केन, एल्केन के अंदर आपने हेलोजन को जोड़ना है, किसी भी हेलोजन को जोड़ेंगे आप, इसमें कंडीशन अप्लाई होगी। कंडीशन इसके अंदर क्या है? 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन करवाई जाती है, और इसके अंदर यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? हेलोजन परमाणु आ जाएगा। तो रिएक्शन क्या होगी? यहां पर हमें इस प्रकार का प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। इसमें आगे एग्जांपल आप कोई भी किसी तरह का भी एग्जांपल, सपोज हम मीथेन का एग्जांपल लेते हैं, तो मीथेन के अंदर क्या है? CH4। इसकी जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म जो है, वो फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग चलता है। ये रिएक्शन हालांकि आप कर चुके हो, तो यहां पर क्या होगा? CH3X और HF। फर्दर फिर इसके अंदर रिएक्शन चलती जाएगी, तो यहां से H रिमूव होता जाएगा, उसकी जगह पर क्या जुड़ता जाएगा? X जुड़ता जाएगा। हम इसके अंदर टर्शरी एल्केन्स की बात करते हैं। ये तो सिंपल हमने जनरल सी रिएक्शन ली थी, अब हम बात करते हैं टर्शरी एल्केन्स की। टर्शरी एल्केन CH3CH3, क्या नाम है इसका? इसलिए है आइसो ब्यूटेन। इसका जब हम क्लोरीनेशन करवाएंगे, क्लोरीनेशन यहां पर टेम्परेचर वही 250 टू 400 डिग्री
सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और हमें क्या प्राप्त होगा, CH3CH CH2 Cl and CH3, और साथ में CH3 C Cl CH3, और ये है CH3। ये क्या है, टर्शरी ब्यूटिल तीन कार्बन परमाणु, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, और ये क्या है हमारे पास, ये है आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। तो ये हमें इस प्रकार का मिक्सर प्राप्त होता है, कंडीशन अप्लाई इसके अंदर है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने हैलोजनेशन की बात की, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रेशन नाइट्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस के अंदर नाइट्रेशन करवाया जाता है। नाइट्रेशन का मीनिंग है जिसके अंदर आप NO2 ग्रुप को जोड़ते हो, हाइड्रोजन को हैलोजन के अंदर, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप क्या करते हो, हैलोजन को जोड़ते हो। नाइट्रेशन के अंदर NO2 ग्रुप जो है वो हैलोजन के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो हमारी सेकेंड रिएक्शन है नाइट्रेशन, ये नाइट्रेटिंग एजेंट दो तीन तरह के होते हैं, वो आपके यहाँ अभी डिटेल नहीं है, वो हम पहले कर चुके हैं 12th क्लास के अंदर। तो HNO3 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, उसके साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो NO2 समूह उसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी आप रिएक्शन ले सकते हो, C2 ये हमारे पास क्या है, इथेन, और इसकी रिएक्शन है HNO3 के साथ। मैंने HNO3 को HNO2 के रूप में लिखा है, तो यहां से HHO, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, C2H5NO2, और साथ में क्या है H2O। इसके बाद हेक्सेन का ले लीजिए C6, जो भी आगे आप लिखते जाएंगे वैसे उसके अंदर प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते जाएंगे। अगर इसके अंदर हम नाइट्रेशन जो है, नाइट्रेशन अगर हम हाई टेम्परेचर पर करवाते हैं, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर करवाते हैं, तो हमें नाइट्रेटिंग सब्सटेंस के हमें अलग अलग मिक्सर प्राप्त होते हैं। तो आपकी जो सिलेबस के अंदर रिएक्शन है वो है C3H8, यानी ये क्या है आपके पास प्रोपेन। प्रोपेन की रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई है, HNO3 के साथ, टेम्परेचर है 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें क्या प्राप्त होगा, CH3CH2CH2NO2। ये क्या नाम है इसका, वन नाइट्रो, वन पोजीशन पर नाइट्रो समूह, और ये क्या है, तीन कार्बन है तो वन नाइट्रो नाइट्रो प्रोपेन। और इसके साथ हमें मिक्सर के रूप में 2 नाइट्रो प्रोपेन 1 नाइट्रो और CH3 CH3NO2, 2 नाइट्रो प्रोपेन, पोजीशन बदल रही है, 1 नाइट्रो प्रोपेन 2 नाइट्रो प्रोपेन, और साथ में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, CH3CH2NO2 और साथ में CH3NO2। ये क्या है, नाइट्रो इथेन और नाइट्रो मीथेन। यहां पर हमारे पास रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमें नाइट्रो समूह के साथ अलग अलग पोजीशन के अंदर हमें मिक्सर प्राप्त होता है। ये तो था नाइट्रेशन का। देन नेक्स्ट रिएक्शन में है हमारे पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन किसे कहते हैं, सल्फोनेशन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इसके अंदर भी सिथोम सल्फ्यूरिक एसिड लेके उसकी रिएक्शन करवाई जाती है, और जिसमें
SO3H2 का एडिशन होता है, हाइड्रोजन के स्थान पर रिप्लेस हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के अंदर कोई भी एग्जांपल आप C2H5 H इथेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड HOSO3 H रिमूव H2O और माइनस H2O और हमारे पास C2H5SO3H। ठीक है, तो जहां पर हाइड्रोजन की जगह पर हमारे पास कौन सा ग्रुप आया, सल्फोनिक ग्रुप आया, तो इसको हम कहते हैं सल्फोनेशन। आज आपने क्या किया, प्रॉपर्टीज के अंदर, अभी हमारी प्रॉपर्टीज कंटिन्यू चलेगी, प्रॉपर्टीज के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज लिक्विड गैसेस फॉर्म के अंदर गलनांक क्वथनांक जो है इनके अंदर जो है वो जैसे जैसे इसमें कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इसका गलनांक क्वथनांक बढ़ता जाएगा। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि इनके जो आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स के जो क्वथनांक अगर उनके अंदर ब्रांच है तो इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तब उनके गलनांक क्वथनांक और शाखित एल्केनों के कंपैरेटिव कम होते हैं। उसके बाद हमने ली केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जैसे इसके अंदर दो प्रकार के बंध पाए जाते हैं, कार्बन कार्बन बंध और कार्बन हाइड्रोजन, जिनकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है 83 and 99 किलो कैलोरी पर मोल, जिनको तोड़ने के लिए सामान्य परिस्थितियों के लिए हमें इसके रिएक्शन नहीं करते, लेकिन हम कंडीशन ले देते हैं तब इनके अंदर रिएक्शन संभव है। जैसे हमने हैलोसिनेशन के अंदर देखा टेम्परेचर हमें देना पड़ता है, टेम्परेचर 200 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर उसके अंदर उनके होने पर उसके अंदर हैलोजन ग्रुप जो है वो जुड़ जाएगा। इसके बाद नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के अंदर नाइट्रो समूह का एडिशन, सल्फोनेशन जिसके अंदर सल्फोनिक समूह का एडिशन हो जाएगा। ये आज हमने ये रिएक्शंस की है, बाकी की प्रॉपर्टी जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। थैंक यू।